अच्छा, सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे एम्बलम्स के बारे में। तो मध्य प्रदेश के एम्बलम्स को जानने से पहले हम थोड़ा इंडिया के एम्बलम को भी देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का एम्बलम, इसको कहते हैं सारनाथ कैपिटल। थोड़ा आइडिया होगा कि ये 26 जनवरी, जब इंडिया को रिपब्लिक घोषित किया गया था, इंडिया का खुद का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तभी डिसाइड हो गया था कि ये हमारा एम्बलम होगा। चलिए, अच्छा, अब जब इंडिया का एम्बलम बन गया तो वैसे ही स्टेट्स ने भी डिसाइड कर लिया कि हमारा भी एम्बलम होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग अपना एम्बलम बना लो। तो फॉर इंस्टेंस ये है केरला का एम्बलम, ठीक है, और ये है पंजाब का एम्बलम। वैसे ही हर स्टेट का एक एक एम्बलम होता है। अच्छा, अब एमपी का एम्बलम, तो आपको शायद याद होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा कि ये अपना एमपी बहुत सारे रीजन्स को जोड़ के बना है, ठीक है, बहुत सारे रीजन्स को जोड़ के बना हुआ है। पहले जैसे कि छत्तीसगढ़ भी था अपने साथ, वो अलग हो गया, बट एमपी बहुत सारे रीजन्स के साथ बना था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक किंगडम हुआ करता था सिंधिया स्टेट, ग्वालियर सिंधिया स्टेट, ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे इंदौर में होलकर स्टेट हुआ करता था, फिर यहाँ पे ओरछा स्टेट हुआ करता था, ऐसे ही बहुत सारे किंगडम्स थे। तो वैसे के वैसे ये सब उनके एम्बलम्स थे, ठीक है। और ये जैसे कि भोपाल स्टेट है, ठीक है, उसका एम्बलम ये था। ये यहाँ पे ग्वालियर स्टेट है, उसका एम्बलम ये है, और वैसे ही बीजापुर स्टेट था, उसका एम्बलम ये है। इस सब पे ध्यान देना नहीं है, कोई नहीं आने वाला, बस पॉइंट है कि इनकी वैलिडिटी अब है नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इनका, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट है ही नहीं। सिंधिया स्टेट एस्टेब्लिश नहीं है, मतलब ख़त्म हो चुका है, डी एस्टेब्लिश हो चुका है। वैसे ही ग्वालियर स्टेट भी डी एस्टेब्लिश हो चुका है, और बीजावर स्टेट भी डी एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी सिर्फ एक ही स्टेट है, एक ही कंट्री है इंडिया, और उसमें एक स्टेट है मध्य प्रदेश। अच्छा, अब देखते हैं आगे। तो ये है आपके एमपी का एम्बलम, ठीक है, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आउटर फ्रेम से। तो आपका आउटर फ्रेम ये है आउटर सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये है आपका आउटर सरकमफ्रेंस। तो ये बना हुआ है 24 स्तूपास से, 24 स्तूपास। अब कुछ लोग इसको 24 लोटस पेटल्स भी कहते हैं, ठीक है, लोटस पेटल्स भी कहते हैं, ठीक है, 24 स्तूपास और लोटस पेटल, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट रिम, यानी कि फर्स्ट रिम यानी कि बाहर का चक्र, ठीक है, बाहर का चक्र में है 24 लोटस पेटल, 24 लोटस पेटल या 24 स्तूपास, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे दो लिपि लिखी गई है, ठीक है, एक है मध्य प्रदेश शासन, ठीक है, और दूसरा है सत्यमेव जयते। तो ये है मध्य प्रदेश शासन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये है सत्यमेव जयते। अच्छा, इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो वीट, ठीक है, और यहाँ पे है राइस। तो मध्य प्रदेश शासन और वो सत्यमेव जयते तो लिखा हुआ ही है। अच्छा, मध्य प्रदेश शासन हेडर है, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर है, ये कन्फ्यूज़ मत होना, बहुत एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हम सॉल्व भी करेंगे एमसीक्यू में। तो ये मध्य प्रदेश शासन आपका हेडर है, उसके बाद फुटर है सत्यमेव जयते, और उसके साथ आपके है दो क्रॉप्स इसमें यहाँ पे, ठीक है, एक है वीट और दूसरा है पैडी। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, एक है वीट, ठीक है, और दूसरा है पैडी, पैडी मतलब राइस। अच्छा, अब ये हो गया, अब अंदर देखते हैं क्या है। अंदर आप देख रहे हैं इंडियन एम्बलम, वो है सारनाथ स्तूपा, सारनाथ स्तूपा नहीं, सारनाथ एम्बलम, सारनाथ कैपिटल, ठीक है, जो लायन कैपिटल है इंडिया का वो, और उसके पीछे है बैनियन ट्री, ठीक है, ये है बैनियन ट्री, ठीक है। तो ये है आपका अंदर का पार्ट, सारनाथ कैपिटल लायन एम्बलम, ठीक है, और उसके पीछे है बैनियन ट्री, ठीक है। तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, ये है आपका 24 लोटस वाला आउटर फ्रेम, ठीक है, 24 लोटस या 24 स्तूपा, ठीक है, ये आप गिन के देख लो, ये 24 आएगा, गिनना मत, टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है, पर 24 है। अच्छा, उसके बाद है अंदर आपका मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और उसके अंदर, उसके सबसे अंदर वाले जो सर्कल है, उसके अंदर है आपका सारनाथ कैपिटल लाइन कैपिटल अशोका वाला, और उसके पीछे है, सारनाथ कैपिटल के पीछे है बैनियन ट्री, बस इतना ही। अच्छा, अब थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अपन। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट एम्बलम इज अडोन्ड विद, मतलब सेंटर में जो मध्य प्रदेश का जो स्टेट एम्बलम है उसके बीच में क्या है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, ऑप्शन है लाइन कैपिटल, तो ये तो सही है, एक्चुअली लाइन कैपिटल है सारनाथ कैपिटल, लाइन कैपिटल है। दूसरा है वीट कॉर्प,
तो ये वीट क्रॉप जो है वो आपका सेंटर में नहीं है, ठीक है, वो साइड में है। आपको याद होगा मैंने सिखाया था, ये आपका सर्कल है, यहाँ पे आपका वीट क्रॉप है और यहाँ पे आपका पैडी, ठीक है, और बीच में है सानहत कैपिटल और उसके पीछे है बैनियन ट्री, ठीक है। तो ये गलत है, मिलेट क्रॉप तो है ही नहीं, ठीक है, स्तूपास तो बाहर है, स्तूपास या लोटस तो बाहर है, ठीक है, तो वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है वन, वन का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। सो हाउ मेनी स्तूपास एंड सर्कल द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्बलम, मतलब कितने स्तूपास वो जो एम्बलम है उसके चक्कर में है, तो उसमें है 24, करेक्ट आंसर है 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड एमसीक्यू है, द इंस्क्रिप्शन इज मध्य प्रदेश आएगा यहाँ पे, मध्य प्रदेश एम्बलम इज इन विच लैंग्वेज, सो लैंग्वेज कौन सा है, संस्कृत तो है नहीं, तो ये तो गलत है। इंग्लिश, इंग्लिश तो है नहीं भाई, इंग्लिश नहीं था, हिंदी, हिंदी इज करेक्ट आंसर, और सिंधी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो थर्ड का आंसर है सी। अब फोर्थ का आंसर, द इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश शासन इज लोकेटेड एट, मध्य प्रदेश शासन कहाँ पे लोकेटेड है, टॉप मोस्ट सर्कल, देखते हैं आगे के ऑप्शंस, इन द सेंटर, नहीं ये तो गलत है, बीनीथ द एम्बलम, ये भी गलत है, ऑन द फिग ट्री, ये भी गलत है, टॉप मोस्ट सर्कल सही है क्योंकि जो सर्कल था उसके टॉप में था, ठीक है, टॉप मोस्ट सर्कल, थोड़ा डेफिनेशन में प्रॉब्लम है इसमें, बट टॉप मोस्ट सर्कल सही है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है शायद, वो और देख लेते हैं। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन है कि फ्लोरा इनसाइड द मध्य प्रदेश एम्बलम आर, मतलब फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश एम्बलम के अंदर। तो फिग ट्री तो नहीं है, वीट तो है, राइस भी है, बट फिग ट्री नहीं है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है। सेकेंड है बैनियन ट्री, बैनियन ट्री है क्या, हाँ बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री बिल्कुल है, फिर वीट है, हाँ वीट है, राइस भी है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। मिलेट्स तो है नहीं, पापा ट्री तो है नहीं बिल्कुल, राइस भी नहीं है, पीपल ट्री भी नहीं है, राइस तो था बट मिलेट्स नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फिफ्थ का करेक्ट आंसर है बी। चलिए